भगवा कहा जाता है, यहाँ के लोगों को बहुत पसंद है, यहाँ का धार्मिक रंग है। तो ख्वाजा करीम नवाज ने उसी केसरिया रंग की चादर ओढ़ना शुरू कर दिया, उसी रंग को अपनाया, अपने गले में दस्तार डाला। आज अजमेर शरीफ में आप जाके देखिए, जितने खादिम वहां मिलेंगे उसमें से 80% लोगों के गलों में, गले में वो केसरिया रंग का जिसे दस्तार हम लोग कहते हैं, हम पैजा पहने बैठे हैं, ये इस्लाम का रंग नहीं है। इस्लाम का ये रंग नहीं मर्दों के लिए, ये औरतों के लिए है। लेकिन यह मर्द कौन पहनते हैं? फकीर, इश्क वाले, मोहब्बत वाले। ख्वाजा साहब ने हिंदुस्तान के अंदर मोहब्बत का पैगाम दिया कि ये तुम्हें पसंद है तो हमें भी पसंद है। तब आज हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा लगता है। अजमेर शरीफ में आप जाकर देखिए, देवा शरीफ में जाकर देखिए, मुरली शरीफ में जाकर देखिए, 60-70% हिंदू भाई मिलेगा और 30% मुसलमान मिलेगा। क्यों? मुसलमान फिरकों में बट गया, कोई वहाबी हो गया, कोई सुन्नी हो गया, कोई देवबंदी हो गया, उनका ईमान से तो व्यवस्था रही नहीं। अल्लामा इकबाल ने लिखा कि तुम सैयद भी हो, पठान भी हो, ये बताओ क्या मुसलमान भी हो? अल्लामा इकबाल ने बहुत सी बातें ऐसी कही हैं जो इंसान पर चोट करती है। तो ये जो आज की महफिल है, आज और कल का जो हम लोगों ने प्रोग्राम रखा, ये सिर्फ मोहब्बत में रखा गया। हमारे दरबार का मकसद और मिशन है मोहब्बत। हमारे आसारे पे जाके देखिए, वहां एक बड़ा सा बोर्ड लगा मिलेगा जिस पे लिखा होगा प्रेम कुटी। हमें प्रेम की शिक्षा दी गई, प्रेम की तालीम दी गई, और मैं मौला से दुआ करता हूँ कि हम सबको प्रेम के रास्ते पर चलने की तौफीक दे।